हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस रॉक ड्रीम इलेवन टीम के ऊपर, फैंटेसी क्रिकेट के ऊपर। और ये जो चैनल है मैंने स्पेशली फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड बनाया हुआ है। जो ये फर्स्ट वीडियो आज मैं इसके ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, जो मेन मैच है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अपनी तैयारी कर रही है इंडिया के साथ फाइनल चैम्पियनशिप का मुकाबला खेलने के लिए, उसके साथ साथ इंग्लैंड को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ये मैच जीतना ज़रूरी है। उसी के साथ दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया हैं और दोनों ही टीमें टॉप रैंकिंग के अंदर आती हैं, तो टॉप रैंकिंग में ही दोनों टीमें अवेलेबल हैं। फ़िलहाल दोनों टीमों के अंदर बढ़िया से बढ़िया बैट्समैन और बॉलर अवेलेबल हैं। और जो न्यू यहाँ पे बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट से अभी खेल कर इंटरनेशनल करियर अपना बिल्ड करने के लिए काफ़ी प्लेयर आए हैं, तो उनका भी देखने को मिलेगा। आपको मैं हर डाटा यहाँ से इस वीडियो के द्वारा कवर कर दूंगा। टीम भी एक प्रैक्टिस टीम भी बना के दे दूंगा ड्रीम इलेवन की। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल अपडेट आपको मिलने वाले, फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ग्राउंड की बात करें तो लॉर्ड्स के अंदर ये मैच खेला जाने वाला है। और इस यहाँ से अभी बारिश भी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, और जो अभी तो फोरकास्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे बारिश के इतने ज़्यादा चांस नहीं है। सूर्य देवता दिखाई देंगे यहाँ पे लगातार लगभग 4-5 दिन, और बीच में अगर ऐसा मौसम ख़राब होता है तो वो हमें टॉस के टाइम पे भी थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या फोरकास्ट में बताया जा रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है वहाँ से पिच। और यहाँ पे पिच बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे जो पेसर्स को है वो मदद मिलती है लगातार इंग्लैंड के अंदर, फास्ट गेंदबाज को मदद मिलती है, पेसर्स को मदद मिलती है। उसके साथ साथ इस जो लास्ट के दिनों में बारिश हुई है उसकी वजह से गेंदबाजों के साथ साथ बैट्समैन को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलने वाली है ये बताया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या टीमें ज़्यादा फास्ट गेंदबाज को लेकर जाने वाली हैं और ऑलराउंडर अपनी टीम में ऐड करने वाली हैं, नए गेंदबाज उसके साथ साथ न्यू यहाँ पे आपको बैट्समैन और ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे। चलिए सभी के बारे में बात करते हैं, प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की बात करते हैं। उससे पहले हम बात करें तो इस ग्राउंड के अंदर जो एवरेज स्कोर है वो 191-151। अगर फास्ट गेंदबाज को मदद मिलती है, स्विंगर को गेंदबाज मिलती है, तो इस प्रकार से ही एवरेज स्कोर हमें देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग इसी प्रकार से मिलेगा। अगर दोनों टीमों की कंपैरिजन की बात करें तो ये दोनों टीम, पहले हम बात करें दोनों टीमों के आपस पहले मुकाबले खेले, जो उन्होंने 5-5 मुकाबले खेले, इंग्लैंड ने 5 मुकाबले खेले जिनमें से 3 लॉस किए हैं और लास्ट के 2 विन किए हैं। और उसी के साथ हम बात करें तो न्यूजीलैंड ने 5 के 5 मुकाबले यहाँ से जीते हैं, विन किए हैं। और दोनों टीमों के आपस में खेले हैं तो 2 मैच खेले हैं उन्होंने, न्यूजीलैंड ने 1 मुकाबला जीता है और 1 नो रिजल्ट रहा है, जो लास्ट के मैं 2 मैच की बात कर रहा हूँ जो दो, और यहाँ से इंग्लैंड ने 1 भी मुकाबला नहीं जीता है। उसके बाद यहाँ से बात करें दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेले गए हैं, 5 मुकाबले खेले गए हैं, 5ों में से अगर बात करें यहाँ से तो 1 ड्रा रहा है, सॉरी 2 ड्रा रहे हैं यहाँ से, और न्यूजीलैंड 3 में न्यूजीलैंड ने जीता है। तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं भारी पड़ी है इंग्लैंड के ऊपर, और बहुत ही बढ़िया टीम है, दोनों टीमें ही बढ़िया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। तो चलिए देखते हैं आगे। और यहाँ से बात करें तो होम ग्राउंड है इंग्लैंड का, तो थोड़ा एडवांटेज होम इंग्लैंड को भी मिलने वाला है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लैंड की जो फुल स्क्वाड अभी बताई गई है, वो कल 1 जून को आई थी, वो शाम को आई थी, तो हमने लेट वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लेकिन और भी डाटा रह गया था, फिर जो न्यू प्लेयर ऐड हुए थे उनका भी हमें डाटा क्लियर करने के बाद में हमने ये वीडियो बनाई है। तो उसके बाद जैसे देखिए इंग्लैंड के भी स्क्वाड इस प्रकार से था, इस प्रकार से है, और न्यूजीलैंड का स्क्वाड इस प्रकार से है, और हम इन दोनों टीमों में से प्लेइंग इलेवन किस प्रकार रह सकते हैं वो बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बात करें इंग्लैंड की जो प्रोबेबल इलेवन रहने वाली है वो इस प्रकार से रह सकती है। यहाँ से रोरी बर्न्स रह सकते हैं, डोम शिपली रह सकते हैं, जैक क्रेली रह सकते हैं, जो रूट रह सकते हैं, ओली पोप, डेव लेवरने रह सकते हैं, जेम ब्रेशी और कैरी गैवर्टन और ओली रॉबिन्स में से, यहाँ से ओली रॉबिन्स के मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं, मार्क वुड, जैक लीच में से मुझे जैक लीच के ज़्यादा चांस लग रहे हैं, क्रूड ब्रॉड और जेम एंडरसन ये इनके मेन गेंदबाज हैं। यहाँ से न्यूजीलैंड की तरफ से, यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से भी मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे, क्रिस वॉक्स नहीं खेल रहे हैं, टॉम क्रून और सैम क्रून ये भी नहीं खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ से बेन स्टोक भी नहीं खेल रहे हैं, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, मैच को मिस करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो यहाँ से ट्रेंट बोल्ट अभी
का फर्स्ट मैच वो स्किप करने वाले हैं, शायद सेकंड भी स्किप करें अभी पता नहीं है सेकंड मैच का, लेकिन फर्स्ट मैच वो स्किप करने वाले हैं, फैमिली इश्यू है या फैमिली के साथ वो अभी वक्त बिता रहे हैं। तो यहाँ से बात करें टॉम ला यहाँ की प्ले जो प्लेइंग रहने वाली हो, टॉम लाथम रहने वाले, टॉम ब्लिंडल, केन विलियमसन, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वेटलिंग, कॉलिन डी ग्रेडहोम और डेरी मिचेल में से डेरी मिचेल के मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं। लेकिन अंडर एस्टिम में जो मतलब यहाँ से जो इग्नोर करने वाला जो प्लेयर है, इग्नोर जो किया जा रहा है, यहाँ से कॉलिन डी ग्रेडहोम की बात करें तो इस प्लेयर को ज़्यादा ही अनदेखा किया जा रहा है। तो मिच यहाँ से बात करें मिचे फिर उसके बाद यहाँ से मिचेल सेंटर मैट हेनरी में से मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि मिचेल सेंटर एक ऑलराउंडर को खिलाया जा सकता है। मैट हेनरी एक तेज़ गेंदबाज हैं तो उनकी जगह मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिचेल सेंटर आ सकते हैं। और यहाँ से काइल जेम्सन, टीम साउदी, नील वैगनर, ये इस प्रकार से इनकी प्लेइंग में रह सकती है। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपको टीम बनाने में मदद कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे बात करूं सबसे पहले हम काइल जेम्सन की बात करें तो टेस्ट का उन्होंने 6 मैच खेले हैं, 36 विकेट लिए हैं और 13.28 की एवरेज है, 5 विकेट 4 बार लिए हैं और 10 विकेट 1 बार लेके लिए हैं उन्होंने। यहाँ से बात करें जैक और यहाँ से जो है ना उनका रिकॉर्ड है ना वो आउटसाइड इंग्लैंड के इंग्लैंड से बाहर भी थोड़ा अच्छा नहीं है, इंग्लैंड के अंदर भी अच्छा है, आउटसाइड न्यूजीलैंड से भी दूर है, इंग्लैंड के अंदर भी इनका थोड़ा अच्छा प्रदर्शन है काइल जेम्सन का, लेकिन वो डोमेस्टिक मैच में है इनका, इस मैच में नहीं है। इंटरनेशनल मैच इन्होंने बहुत कम खेले हैं, इन्होंने अंडर 19 और इनकी जो इंग्लैंड ए है उसकी बेस पे ये खेले हैं ज़्यादा मैच। यहाँ से बात करें जेम्स एंडरसन की बात करें तो 5 विकेट होल्स जो जुलाई के अंदर इन्होंने ही लिया है, 2 बार ले चुके हैं 5 विकेट। और उसके बाद करें यहाँ से जेम्स एंडरसन 6 विकेट 6 विकेट जो हाईएस्ट गेंदबाज हैं उनमें से हिस्ट्री तक अब तक जो हाईएस्ट गेंदबाज हैं जो टॉप 3 गेंदबाज बन जाएंगे वो 6 विकेट दूर हैं, वो टॉप विकेट्स लेने में 6 विकेट लेते ही वो हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज बन जाएंगे, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ से बात करें जेम्स एंडरसन ने 60 विकेट लिए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो किसी गेंदबाज का हाईएस्ट है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी गेंदबाज का सबसे हाईएस्ट इतने विकेट लेना है। जैसे बात करें जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों ने मिलकर 126 विकेट लिए हैं न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट खेलते समय। यहाँ से केन विलियमसन टॉप रैंकिंग के अंदर हैं और उन्होंने 736 रन किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने 7 इनिंग जो लास्ट इनिंग है 7 इनिंग के अंदर उन्होंने 736 रन किए हैं 7 टेस्ट इनिंग के अंदर और ICC रैंक टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर हैं। लेकिन उनका जो इंग्लैंड के सामने अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन इंग्लैंड के अंदर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी देखने वाली बात होगी क्या इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड के अंदर ही वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ से बात करें तो काइल जेम्सन ने 5 विकेट होल लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। यहाँ से बात करें नीचे उसके बाद आ जाते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड का ये है मैच, उन्होंने 146 खेले हैं 517 विकेट लिए हैं, एवरेज 27.71 की रही है और जो बात करें 5 बार विकेट उन्होंने 18 बार लिए हैं, 10 विकेट उन्होंने 3 बार लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ से बात करें स्टुअर्ट ब्रॉड इज़ द लीडिंग विकेट टेकर, 38 रन इन टेस्ट 2020 के अंदर उन्होंने 38 विकेट लिए थे टेस्ट के अंदर, लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं वो। उसके बाद यहाँ से बात करें 66 विकेट कीवीज़ के सामने लिए हैं उन्होंने, न्यूजीलैंड के सामने लिए हैं, जो इंग्लैंड के मोस्ट जो गेंदबाज हैं उनमें इनका नाम आता है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट लेने वाले गेंदबाजों में। जैसे मैं बात करूँ जो रूट का जो टेस्ट करियर है अभी ये आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पे मैंने शो किया है और मैं आपको एक पूरा जो हर प्लेयर का डाटा भी दिखा सकता हूँ। ये आप न्यूजीलैंड का फुल स्टेटस देख सकते हैं, जो रिसेंट उन्होंने मुकाबले खेले हैं वो आप देख सकते हैं, इनका देख सकते हैं इन्होंने जो रिसेंट मुकाबले खेले हैं। ऐसे बात करें बीजे वेटलिंग 73 मैच के अंदर 114 इनिंग खेले हैं और उसके साथ साथ इन्होंने 3773 रन किए हैं 38.1 की एवरेज से, 8 शतक लगाए हैं और 19
1950 की है। और यहाँ पे देखिए बात करें विजय वेटलिंग का जो बढ़िया प्रदर्शन है वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। टॉम ब्लेंडल है, केन विलियमसन है, रॉस टेलर है, आप जो प्लेयर खेलते दिखाई दें उनका आप देख सकते हैं। यहाँ से रिकॉर्ड जो मैं बात करूँ, यहाँ से मिचेल सेंटनर अगर आपको खेलते दिखाई देते हैं तो ये उनका इनका सामने इनका रिकॉर्ड है जो करियर का टेस्ट के अंदर रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं पूरा हर प्लेयर का हमने यहाँ से मैंने शो किया है। देखिए थोड़ा आप ये भी देख सकते हैं कि जो LPW और बोल्ड परसेंटेज रहता है वो बहुत ही मायने करता है, क्योंकि आज के दिन ड्रीम इलेवन के अंदर हमें जो 24 पॉइंट टेस्ट के अंदर वैसे 16 पॉइंट मिलते हैं और उसके साथ साथ 24 पॉइंट मिलते हैं जो बोल्ड और LPW करता है। और जो कैच वगैरह पकड़वाते हैं, मतलब कैच आउट होते हैं तो उनके पॉइंट कम मिलते हैं। तो यहाँ से बोल्ड LPW वाले गेंदबाज के ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा देख सकते हैं कि किनको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ से स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे पहले नंबर आते हैं, 34.4 की एवरेज है उनकी। यहाँ से बात कर फिर उसके बाद जैसन एंडरसन, जो एंडरसन, कॉल जेम्सन, टीम चाउदी, नेल वैगनर, ये इस प्रकार से रहने वाले हैं और इनका अच्छा खासा प्रदर्शन है बोल्ड और LPW के अंदर। वैसे तो विकेट काफ़ी गेंदबाज ने लिया है लेकिन मैं यहाँ पे बोल्ड और LPW वाले गेंदबाज की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप इंग्लैंड का भी स्टेट्स देख सकते हैं। यहाँ से मैंने पूरा इंग्लैंड का भी स्टेट बताया है, जो आपको प्लेयर यहाँ से खेलते दिखाई दे सकते हैं उन प्लेयर का मैंने डाटा आपको बताया है। यहाँ से सैम बिलिंग्स का देख सकते हैं, देखिए सिलेक्शन आपको सैम बिलिंग्स और जेक ब्रैक्सी में ज़्यादा मिलेंगे। सैम बिलिंग्स का ज़्यादा सिलेक्शन मिलेगा आपको जब मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम बनाऊंगा तब उसमें। लेकिन यहाँ से मैं बात करूँ जेक ब्रैक्सी के ज़्यादा चांस लग रहे हैं मुझे, सैम बिलिंग्स के चांस कम लग रहे हैं खेलने के। जो रूट फिर उसके बाद हम बात करें ऐसे जो रूट, डोम शिपली, जैक क्रेली, रोरी बर्न्स, ओली पॉप है, HMAD का भी देख सकते हैं यहाँ पे। 3 मैच के अंदर उन्होंने 6 इनिंग के अंदर उन्होंने 219 रन किए हैं और यहाँ से 250 भी लगाई हैं। तो आप डी इलेवन से यहाँ से ज़्यादातर बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी से कम उनका रोल रहता है, बैटिंग से ही ज़्यादा रोल रहता है उनका। कैरी गोवर्टन और रॉबिन्स में से बात करूँ तो मैं और रॉबिन्स का आप स्कोर देखिए, दोनों प्लेयर बहुत ही बढ़िया हैं। और रॉबिन्स का बात करूँ तो यहाँ से मैं उन्होंने 63 मैच के अंदर 1667 रन किए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने 1 शतक लगाया है और 750 लगाए हैं और 279 उन्होंने विकेट चटकाए हैं। तो इनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। ये देखिए ये डोमेस्टिक मैच का प्रदर्शन है, ना कि इनका इंटरनेशनल करियर का प्रदर्शन है। उसके बाद आप नीचे भी देख सकते हैं जो आपको अलग से गेंदबाज खेलते दिखाएं। यहाँ से जैक लीच हुए, ओली स्टोन हुए, ये इनका आप देख सकते हैं, इन्होंने विकेट विकेट और यहाँ से आप उनके रन भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बात करें तो ऊपर के जो नए गेंदबाज आपको जैक क्रेली हुए, इनको भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं इनका भी, और रोरी बर्न्स का भी देख सकते हैं, ओली पॉप का भी देख सकते हैं, जो नए नए आपको प्लेयर खेलते दिखाई देंगे उनका रिकॉर्ड देख के उस बेस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरे आप स्टेट भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं बात करूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए शायद मुझे लगता है साबित हो सकते हैं, यहाँ से बात करें केन विलियमसन का। यहाँ से इंग्लैंड के सामने जो एवरेज रहा है उनका, केन विलियमसन का एवरेज यहाँ से 43.7 रहा है और केन विलियम्स का एवरेज इंग्लैंड के अंदर 30 रहा है, तो लोवेस्ट है वो, थर्ड लोवेस्ट जो उनका प्लेइंग इलेवन जो किसी विदेशी टीम के साथ खेले हैं उनका लोवेस्ट है। उसके बाद यहाँ से बात करें हम तो टॉम लाथम की जो एवरेज रही है इंग्लैंड के खिलाफ वो यहाँ से बात करूँ 155 की रही है इंग्लैंड के खिलाफ और उन्होंने 2 शतक लगाए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने 550 लगाए हैं 15 इनिंग के अंदर, और उसके एवरेज जो इंग्लैंड के अंदर एवरेज रहा है वो 56.8 रहा है, मतलब दोनों ही बढ़िया है, टॉम लाथम का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। उसके बाद यहाँ से बात करें नेल वैगनर का, यहाँ से बात करें इंग्लैंड के खिलाफ तो रहा है 9 मैच के अंदर 37 विकेट लिए हैं, उसके साथ साथ इंग्लैंड के अंदर 2 मैच के अंदर 7 विकेट लिए हैं। टीम साउदी की बात करें तो यहाँ से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 13 मैच के अंदर 50 विकेट लिए हैं और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने 5 मैच के अंदर 20 विकेट लिए हैं। एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी आज के मैच के अंदर, न्यूजीलैंड के मेन गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे हैं तो उसकी जगह पर यहाँ पर टीम साउदी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि वो मेन गेंदबाज का रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि काइल जेम्सन और मैट हेनरी अगर खेलते दिखा देते हैं तो ये युवा गेंदबाज हैं जो, और जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है वो टीम साउदी ही इस टीम में अवेलेबल होंगे अभी। उसके बाद यहाँ से बात करें कोलिन डी ग्रेडहोम, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच के अंदर 211 रन किए हैं, एवरेज 52 की, और यहाँ से बात करें 7 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो ये भी आपको आज के मैच के अंदर खेलते दिखाई देते हैं तो स्टेट के बेस के ऊपर आप इनको सिलेक्शन ज़रूर कर सकते हैं।
दोनों टीमों के हम प्लेयर मैचअप की बात करें तो किस प्लेयर का किसके सामने अच्छा रिकॉर्ड रहा है, किसका ख़राब रहा है, थोड़ा बहुत देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मेन गेंदबाज मेन बॉल बैट्समैन का हम रिकॉर्ड देखने वाले हैं। यहाँ से सबसे पहले हम बात करें केन विलियमसन का, तो यहाँ से स्टूड ब्रॉड ने 4 विकेट लिया है और यहाँ से एंडरसन ने भी 6 विकेट लिया है और वोक्स ने भी 1 विकेट लिया है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो खेलने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ से बात करें एंडरसन और ब्रॉड का अच्छा प्रदर्शन रहा है केन विलियमसन के सामने, रन इतने ज़्यादा नहीं किए हैं इन दोनों गेंदबाज पे, लेकिन विकेट ज़रूर निकाले हैं दोनों गेंदबाज ने। उसके बाद यहाँ से बात करें रॉस टेलर एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और स्टूड ब्रॉड ने 10 विकेट लिया है इनका, उसके साथ साथ एंडरसन ने भी 5 विकेट लिया है, वोक्स को देखने वाले नहीं हैं, जैक लीच ने 5 मैच के अंदर 1 बार रन देकर 1 विकेट लिया है। उसके बाद यहाँ से बात करें टॉम लाथम की, तो ब्रॉड ने 6 विकेट लिया है, एंडरसन ने 1 विकेट नहीं लिया है, वोक्स ने भी लिया है, लेकिन और जैक लीच ने 1 विकेट लिया है। जैसे बात करें देखिए टॉम लाथम एक ऐसे प्लेयर हैं जो सामने वाली टीम के गेंदबाज के ऊपर प्रेशर डाल कर रखते हैं और बढ़िया खेलते हैं इस टीम के सामने, तो आप इस प्लेयर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपनी टीम के अंदर कैप्टन और कैप्टन भी कर सकते हैं ग्रैंड लीग के अंदर। उसके बाद यहाँ से बात करें जो रूट, तो टीम साउदी ने 5 विकेट लिया है, वह नील वैगनर ने 3 विकेट लिया है, कोलिन डी ग्रेडहोम ने 1 विकेट लिया है, तो तीनों गेंदबाज आपको खेलते दिखाई दे सकते हैं, तो आप जो रूट के ऊपर कैप्टन स्क्रिप्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप देख सकते हैं। वैसे बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो रूट, एक बड़ी लंबी पारी भी खेल सकते हैं क्योंकि वो अपने होम के अंदर घर के अंदर हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं। चलिए गाइज अब बात करते हैं हम दोनों, अब प्लेइंग नीलिंग देख चुके हैं, होम प्लेयर का स्टेट भी देख सकते हैं चुके हैं, अब बात करने वाले हैं हम ड्रीम इलेवन टीम हमारी किस प्रकार से रहने वाली है, किस बेस के ऊपर हमें ड्रीम इलेवन टीम बनानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें यहाँ से, आप देखिए आपको विकेट कीपर सेक्शन में कौन कौन मिलने वाले हैं, यहाँ से बीजे बैटलिंग मिलने वाले हैं, सैम बिलिंग्स मिलने वाले हैं, टॉम ब्लेंडल मिलने वाले हैं, जैक ब्रेसी मिलने वाले हैं। तो सैम बिलिंग्स के मैंने बोल दिया कि कम चांस लग रहे हैं मुझे, खेल भी सकते हैं खेल में नहीं भी सकते। टॉम ब्लेंडल की यहाँ से बात करें तो यहाँ से बीजे बैटलिंग और जैक ब्रेसी के मुझे हाई ज़्यादा चांस लग रहे हैं, तो ये दो प्लेयर आपको खेलते दिखाई दे सकते हैं। और जॉम ब्लेंडल और टी ब्लेंडल और सैम बिलिंग्स में से मुझे कम चांस लग रहे हैं। तो इन दोनों में से अगर प्लेयर का सिलेक्शन की बात करें तो जैक ब्रेसी का अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं बीजे बैटलिंग को अभी ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो बढ़िया प्रदर्शन है वो सामने वाले टीम के सामने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन के अंदर, बैटिंग सेक्शन के अंदर हमें जो रूट, केन विलियमसन, टॉम लाथम, रॉस टेलर, जैक क्रेले, डी शेफली, डी कैनवे, रोरी बर्न्स, हेनरी निकोल्स, ओली पॉप विलियम, ये एच अहमद, ये खेलते मुझे कम दिखाई दे रहे हैं चांस। जो आपको मैं बताऊँ जो आपको डिफरेंशियल पिक जानी, यहाँ से देखिए मेन पिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ से जो रूट, केन विलियमसन, टॉम लाथम, रॉस टेलर, ये सबकी मेन पिक रहने वाले हैं। अगर आपको डिफरेंशियल जाना है, डिफरेंट करना है कुछ, तो ऐसे बात करूँ डी कैनवे, रोरी बर्न्स, उसके साथ साथ यहाँ से आप जैक क्रेले और डी शेफले को भी अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं, ये डिफरेंशियल पिक आपके लिए बन जाएंगे आज के मैच के अंदर। अभी के लिए मैं जो रूट के लिए मैं को दोनों को रखे हूँ टीम में। उसके बाद यहाँ से बात करूँ टॉम लाथम, रॉस टेलर, टॉम लाथम का अच्छा प्रदर्शन है तो मैं टॉम लाथम को भी रखता हूँ टीम के अंदर। रॉस टेलर एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन अभी के लिए मैंने उनको टीम में नहीं रखा है, उसकी जगह मैंने यहाँ से न्यूजीलैंड के ओपनर प्लेयर को डी कनविन को अभी टीम में रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से बात करें ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर देखने को मिलेंगे, यहाँ से डी लेवर ने मिलेंगे, मिचेल शेंटन के, जिनके मुझे लग रहा है कि खेल सकते हैं और चांस मुझे 50-50% लग रहे हैं। यहाँ से कोलिन डी ग्रेडहम, डी ब्रेकवेल के कम चांस लग रहे हैं मुझे। यहाँ से सी ओवरटन और डेरी मिचेल, और यहाँ से बात करें और रॉबिन्स के ज़्यादा चांस लग रहे हैं मुझे, ये प्लेयर खेल सकते हैं। यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए डी लेवरने को टीम में रखा हूँ। उसके साथ साथ आप मैं अभी के लिए अगर टीम में मुझे और रॉबिन्स और सी ओवरटन में कोई भी प्लेयर खेलता दिखाई देता है मैं उसको टीम में सेलेक्ट कर लूँगा। अभी के लिए मैं मिचेल शेंटनर या कोलिन डी ग्रेडहम में से एक रख रहा हूँ। अभी के लिए मैंने मिचेल शेंटनर अपनी टीम में रख लिया है, जो बैटिंग से भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसके साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी ज़्यादा चांस इन्हीं को मिलेंगे बॉलिंग डालने के। उसके बाद यहाँ से गेंदबाजी सेक्शन में अगर आ जाते हैं तो यहाँ से जो मेन प्लेयर हैं जेम एंडरसन हो गए, ट्रेंट बॉल खेलने वाले नहीं हैं, टीम साउदी जो जिनके ऊपर मैंने बोला है कि ट्रेंट बॉल के बाहर होने के बाद बाद टीम साउदी के ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो आपको मेन गेंदबाज का रोल
अपनी बातें दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टूअर्ट ब्रॉड, जिनको लोगों ने इग्नोर किया है, और मेरी टीम के अंदर ये कैप्टन वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बात करें कॉल जेम्सन, और नीचे कोई यहाँ से बात करें नेल वैगनर हो गए, और कोई आपको अगर प्लेयर खेलता दिखाई देता है तो यहाँ से मैट हेनरी, और कोई ज़्यादा प्लेयर आपको खेलता दिखाई नहीं देगा। ये इस प्रकार से हमारी टीम रहने वाली है। देखिए मैं यहाँ से अपनी टीम के अंदर अभी मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से कहीं ना कहीं एक प्लेयर को ऐड कर लेता हूँ, जिसका नाम है मैं ऐसे नील वैगनर को मैं अपनी टीम के अंदर रखने की सोच रहा हूँ। न्यूजीलैंड के अंदर उस प्लेयर का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर अभी उसका मतलब अभी नहीं खेले हैं न्यूजीलैंड इंग्लैंड के अंदर, तो उनका अभी गैस नहीं कर सकते हैं कि क्या प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन उम्मीद है बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, अटैकिंग गेंदबाज हैं और विकेट बहुत ज़्यादा निकालते हैं। तो हम फाइनल जो अपडेट हमारी होगी वो टेलीग्राम के अंदर ही होगी, उसमें हम देखेंगे कि इस प्लेयर को हम सिलेक्ट करें या नहीं करें। वो ग्राउंड के ऊपर भी, पिच के ऊपर भी डिपेंड करेगी, पिच रिपोर्ट क्या आने वाली है जो टॉस के बाद आएगी, कौन सी टीम पहले गेंदबाजी कर रही है, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, ये भी डिपेंड करेगी। उसके बाद यहाँ से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन के चांस, तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के चांस यहाँ से केन विलियमसन और जो रूट और ऐसे ब्रोड आपसे आपको यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। मैं अपनी टीम के अंदर रखूँगा तो यहाँ से जो रूट और स्टूअर्ट ब्रॉड को अपनी टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँगा। अभी के लिए मैं टीम के अंदर ये टीम रखी है, और मैं टीम में एक चेंजमेंट और कर सकता हूँ। जैसे मिचेल सेंटन की जगह मैं किसी बैट्समैन को या गेंदबाज को ले सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं कहीं ना कहीं टॉम लैथम और केन विलियमसन में से या डी कन्वेंस में कोई चेंजमेंट कर सकता हूँ। तो जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर पहुँच जाना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो।